गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीएबीटी क्वेश्चन पेपर। अभी 10 दिसंबर को ही एसएससी जीएबीटी का एग्ज़ाम हुआ था और उसी से रिलेटेड स्पेशली जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और लेवल काफ़ी नॉर्मल था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और अच्छा स्कोर भी अचीव किया होगा, ठीक है। फिर भी जो भी आपने गलतियां की होंगी या जो भी आपको लगा होगा कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, वो सारा कंफ्यूजन आपकी इस वाली वीडियो में क्लियर हो जाए, ठीक है। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो लेवल काफ़ी नॉर्मल था, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आराम से आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे, ठीक है। फिर भी जो गलतियां हैं वो एक बार चेक कर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया बिलोंग्स टू कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस एज पर डेल एडगर कोन ऑफ लर्निंग। डेल एडगर का कोन ऑफ लर्निंग है, कोन बोल लें या हायरार्की ऑफ लर्निंग बोल दें, जिसमें इन्होंने टोटल 10 लेवल्स दिए थे और वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली ये जो इनका सेकेंड लेवल है कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ये किस पे बेस्ड है? पिक्चर्स पे, मॉडल्स पे, डेमोस्ट्रेशंस पे या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार मैं सारा ही आपको पूरी हायरार्की बता देती हूँ, ठीक है। टोटल 10 लेवल्स हैं जिसमें इन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बात की, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस की, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन की, डेमोस्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, एग्जीबिशंस, मोशन पिक्चर, रिकॉर्डिंग, विजुअल एंड वर्बल। तो ये सारे अगर आपको याद होंगे तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस में हम क्या करते हैं, रियल थिंग करते हैं। कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस में हम सिर्फ क्या करते हैं, मॉडलिंग और बिहेवियर बोल सकते हो या मॉडल जो भी चीज़ें हैं उनको सामने आप दिखाते हो। उसके बाद हैंड्स ऑफ वर्कशॉप, डेमोस्ट्रेशन को देखना, एग्जीबिशन को अटेंड करना, वीडियोज देखना, सुनना, व्यू, रीड, इस तरह से डिफरेंट तरीके से बच्चा लर्न करता है, वो चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। तो इसमें सिर्फ पूछा गया था कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें क्या आ जाएगा, मॉडलिंग आ जाएगा या मॉडल्स आ जाएंगे। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, बी इज द करेक्ट आंसर, मॉडल्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जितने भी एग्जाम होते हैं कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन डाल देता है या थोड़ा सिलेबस से हट के जो नॉर्मल हमने जैसे लर्निंग ऑफ हायरार्की करी है या हम थ्योरीज करते हैं उसे हटके भी समटाइम्स क्वेश्चन डाल देते हैं। एक दो क्वेश्चन में ऐसा होता है, सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो आपने इसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि कई बार आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड कम्युनिकेशन बाय टीचर इन द क्लासरूम। एक जो टीचर है उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूरी है, स्पीकिंग माइल्ड टोन, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन या स्पीकिंग विदाउट पाउज। एक अच्छी टीचिंग के लिए या टीचर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप लोगों ने अगर ये जो टॉपिक हैं ये पढ़े भी नहीं होते तब भी आप आंसर कर देते, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी एनहेंस्ड व्हेन दे लर्न बाय। बहुत बार हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जब हम लर्निंग को डिस्कस किया, टीचिंग को डिस्कस किया, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एम क्या है, तो उसमें एक बात की जाती है, डूइंग बाय हैंड या लर्निंग बाय डूइंग। सबसे अच्छे तरीके से बच्चा कब सीखता है, जब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ करता है और वो किस मेथड से हो सकता है, जैसे कि मेथड है डूइंग बाय हैंड्स। जब बच्चा खुद से करके देखता है चीज़ों को तो जो उसकी नॉलेज है, जो लर्निंग है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो परमानेंट बनती है, ठीक है। लंबे समय के लिए वो चीज़ों को याद रखता है जब वो खुद से चीज़ों को करके देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नोन एज। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इवेलुएशन मूल्यांकन टॉपिक से, जिसमें डिफरेंट टूल्स आते हैं इवेलुएशन के, जैसे रूब्रिक्स हो गया, चेकलिस्ट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, सो ऑन, मल्टीपल टूल्स हैं वैल्यूएशन के, ठीक है, जिसे डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट एम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें पूछी गई है चीज़ कि जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बताता है, ठीक है, जहाँ पे हमने नंबर्स की या क्वांटिटी की बात नहीं करनी है, बच्चे की जो बिहेवियर में क्वालिटीज आई हैं, उसकी परफॉर्मेंस की जो क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला किस टूल में किया जाता है, रूब्रिक्स में, चेकलिस्ट में, इन्वेंट्रीज में या रेटिंग्स में? तो जैसे चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल हो गया, इसमें सिर्फ क्या करते हो आप,
नंबर्स देते हो, चेक करते हो चीजों को, और इन्वेंटरीज में भी इससे हमें एक्चुअली बच्चे को कितना आता है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता का पता नहीं चलता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस और क्वेश्चंस होते हैं इन्वेंटरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रूब्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, जिसमें डिटेल में क्वालिटेटिव वे में चीजें लिखी जाती हैं, क्वालिटेटिव वे में बच्चे को वैल्यूएट किया जाता है। तो रूब्रिक्स कैसा तरीका है बच्चे की वैल्यूएशन करने का, बच्चे का मूल्यांकन करने का, और जहां पे बच्चे की गुणवत्ता को देखा जाता है, क्वालिटी को देखा जाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, ठीक है, रियलिया का मीनिंग क्या हो गया, रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, या रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, या फिर रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर, या इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स अबाउट रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट किए जाती है जिसके थ्रू बच्चे को बताया जाता है, रियलिया उसी के लिए टर्म यूज की जाती है। तो राइट आंसर आ जाएगा रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर आइटम्स ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, इवेल्युएशन मूल्यांकन वाले टॉपिक से पूछा गया है। बेटर आइटम्स क्या है एसे टाइप क्वेश्चन के लिए, अब एसे टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को क्या करना है, चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, और इससे ये पता लगाया जाता है लॉन्ग आंसर या ऐसे टाइप क्वेश्चंस के कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना वो चीजों को समझ पा रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का, कि कैसा क्वेश्चन दो, जैसे आपने क्वेश्चन दे दिया डिस्कस फोर्ट्स, ठीक है, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन का सही तरीका है, या वॉट डू यू नो अबाउट फोर्ट्स, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्ट्स विद वन एग्जाम्पल, या राइट ए नोट ऑन फोर्ट्स। तो सिर्फ जब डिस्कस करने को बोला, सिर्फ नोट लिखने को बोला, या ये बोला कि आप बताओ फोर्स के बारे में, बल के बारे में आपको क्या पता है, तो इसमें बच्चा डिटेल में चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे इन सब के। तो जो एक्सप्लेन वाला जो वर्ड है, इससे क्या है, डिटेल में चीजों को मतलब बताएगा बच्चा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस चीज के बारे में, तो ये सही तरीका है एक ऐसे टाइप क्वेश्चन का। तो एक्सप्लेन वाला वर्ड जहां पे मिले वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फिर से मूल्यांकन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एसएससी जेबीटी वाले पेपर में, ठीक है, तो आगे भी जब टीजीटी वाला पेपर होगा उन बच्चों ने ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे जिन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो तो जरूरी आपने पढ़ते जाना है, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग की जाती है, इसमें लगातार परीक्षण किया जाता है, या असेसमेंट ऑफ लर्नर वाइल लर्निंग, या बच्चे का आकलन किया जाता है अधिगम के दौरान, या एंड टर्म इवेल्युएशन है, या पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स है। तो जब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की जाती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो इसके बारे में क्या हमने डिस्कस किया था कि बच्चे को लगातार आपने इवैल्यूएट करना है, बच्चे का लगातार आपने मूल्यांकन करना है, और किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक तरीके से, मतलब सिर्फ बच्चे को एकेडमिक्स नॉलेज कितना है यही नहीं, इसके साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है उस चीज को भी चेक किया जाता है, उसे बोला जाता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें सिर्फ आप टेस्टिंग करते रहो बच्चे की, मतलब क्वांटिटी को चेक करते रहो, बच्चे की गुणवत्ता या क्वालिटी की बात ना करो, तो ये इसे भी हम सीसी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन नहीं बोले, जिसमें गुण और मात्रा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात की जाती है, वही होगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। और इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्नर वाइल लर्निंग, ठीक है, बच्चे का आकलन करना जब वो पढ़ता है, और ये पूरा शुरू से लेके एंड तक चलता है, बीच बीच में जो इवैल्यूएशन हुई वो भी, एंड टर्म में हुई वो भी, सारी चीजें आ जाएंगी, तो राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है एज ए टीचर इन द क्लासरूम यू हैव नोटिस दैट वन स्टूडेंट हैज सम रीडिंग डिसऑर्डर, इट इज एसोसिएटेड विथ, बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और हर बार मैंने आपको बताया है कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं इससे एक नंबर का क्वेश्चन हर एक टीचिंग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बच्चा है उसे डिसऑर्डर है, किस तरीके का रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चा पढ़ाई पढ़ते समय बच्चे को
प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, बच्चा असुविधा फील करता है, वो किससे रिलेटेड है? डिसग्राफिया बोलेंगे उसे, डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे, डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया। तो रीडिंग डिसऑर्डर क्या हो गया, इसे बोला जाता है डिसलेक्सिया, या कई बार क्या टर्म यूज कर लेते हैं, अलेक्सिया टर्म भी यूज कर ली जाती है, आपने याद रखा। तो राइट आंसर आ जाएगा डिसलेक्सिया। इसके अलावा अगर हम बात करें डिसग्राफिया की, तो ये कैसा डिसऑर्डर है, ये राइटिंग डिसऑर्डर है। इसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया कैसा है, फिजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता माइंड और मसल्स के बीच में। और डिसकैल्कुलिया कैसा है, मास डिसऑर्डर। ये सारे आपने याद रखने। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग टीचिंग इट टीचर्स टू स्टेटमेंट सैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट ऑन द आंसर ईदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर क्वेश्चन पूछता है बच्चे से, ठीक है, और बच्चे ने कुछ आंसर किया या किसी दूसरे बच्चे ने भी आंसर किया, तो बच्चा टीचर और आगे से आगे क्वेश्चन पूछता जाता है कि अच्छा, जैसे पूछ लिया व्हाट इज फोर्ट्स, बच्चा आंसर कर देगा कि ये फोर्ट्स होगी। उसके बाद टीचर आगे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट लॉज क्या हैं, मोशन के लॉज हो गए या न्यूटन, इस तरह सो ऑन कंटिन्यू करता रहता है चीज़ें, चाहे वो बच्चे ने खुद से आंसर दिया हो या दूसरे बच्चे के आंसर को इलैबोरेट करने की बात हो। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, प्रोबिंग बोला जाता है, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस बोला जाता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी बोला जाता है या स्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है प्रोबिंग, मतलब जो सीखने में बच्चे की हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो अब टीचर बच्चे के साथ करता है, इससे बच्चे को सीखने में मदद मिलती है, वो और ज़्यादा उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाते हैं, और इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है प्रोबिंग। नेक्स्ट है आउट ऑफ द टीचिंग अप्रोचेज लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई द इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेज, ठीक है। डिफरेंट अप्रोचेज दे रखी हैं, जैसे डेमोस्ट्रेशन मेथड है, प्रोग्राम लर्निंग है, पर्सनलाइज टीचिंग है, मॉडलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग है, या कोलैबोरेटिव मेथड, ठीक है। ये डिफरेंट अप्रोचेज दे रखी हैं, इसमें आपने आइडेंटिफाई करनी है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, जो व्यक्तिगत अप्रोच है उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके भी अलग अलग आंसर दे रखे हैं। तो पहले तो आपने इसमें से डिसाइड कर लो आप कि कौन सा जो अप्रोच है वो व्यक्तिगत है या इंडिविजुअलाइज है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, प्रोग्राम लर्निंग है। तो जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है उसमें क्या किया जाता है, टीचर डेमोस्ट्रेट करता है पूरी क्लास को, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होगी या ग्रुप अप्रोच होगी। ऐसे है प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग जब डिफरेंट हमने टीचिंग मेथड करे थे तब हमने प्रोग्राम लर्निंग को डिस्कस किया था, जिसमें क्या कर दिया जाता है, बच्चे के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर दिया जाता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, बच्चा अपनी पेज से सीखता जाता है। पर्सनलाइज्ड टीचिंग में भी अब नाम ही पर्सनलाइज्ड है, मतलब बच्चे के जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाता है। मॉडलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग में भी क्या किया जाता है, जो डिफरेंट आपका सिलेबस है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और बच्चे अपनी पेस के अकॉर्डिंग हर एक बच्चा सीखता है यहाँ पे। और कोलैबोरेटिव मेथड में क्या किया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों की और बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस कौन सी लग रही हैं आपको, जैसे पर्सनलाइज टीचिंग एक तो नाम ही ऐसा है, तो इसमें थर्ड नंबर सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन बी में भी दे रखा है, सी में भी है एंड डी में भी, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हो सकता है, इसके साथ आपको कोई और ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। तो जैसे प्रोग्राम लर्निंग हो गया, ठीक है, या मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग हो गया, तो सेकंड एंड फोर्थ, तो ये वाला मिल गया हमें, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन सी ऑप्शंस लगती हैं, वो जिस आगे आपके आंसर वाली ऑप्शन में मिल जाए वो आपने टिक कर देना है, ठीक है। कई बार एक ही आंसर से काम बन जाता है, एक ऑप्शन भी आपको अच्छे से पता हो, कई बार दो से ज्यादा पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर यूज्ड ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स इन हिज प्रेजेंटेशन इन द क्लास, दिस इज रिलेटेड टू विच लेवल टीचिंग। डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे, ठीक है, तीन लेवल्स होते हैं टीचिंग या लर्निंग के, जिसमें पहले लेवल का नाम आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या लर्निंग, दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल,
एंड थर्ड आता है रिफ्लेक्टिव लेयर, टॉप मोस्ट। और इसमें हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। मतलब बच्चा पहले मेमोरी लेवल को क्रॉस करेगा, देन अंडरस्टैंडिंग को, देन रिफ्लेक्टिव में, तभी वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे टीचर बहुत सारे पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर एग्जाम्पल इंक्लूड करता है अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम, या पॉजिटिव या नेगेटिव उन्होंने जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है, सिंपली एग्जाम्पल्स इंक्लूड करता है अपनी प्रेजेंटेशन में आपको चीज़ों को समझाने के लिए, तो ये किस में आ जाएगा? ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में, कि बच्चे को समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, अंडरस्टैंड करें आप। तो जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और उसके मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगी कि आप किसी ना किसी एग्जाम्पल से समझ जाओ, ठीक है, तो ये किसके लिए करता है टीचर? बच्चे को समझाने के लिए। तो राइट आंसर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये तीनों लेवल हैं, बट बाद में ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल को भी फोर्थ लेवल बनाया गया था, जिसमें ये टोटली बच्चे पे डिपेंड है, लर्नर पे, जहाँ बच्चे कैसी क्या फील करता है चीज़ों को लेके, उसके इमोशंस कैसे हैं, उन सब से रिलेटेड होता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। मतलब ऑटोमेटिकली वो किस तरह से डेवलप करता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। बट यहाँ पे सिंपली अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है टीचर, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिहेवियरल रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ रिलेटेड कॉम्पिटेंसेज फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर? ठीक है, एक अच्छा इफेक्टिव टीचर बनने के लिए कौन सी चीज़ों को आप बोलोगे कि वो कैसी हैं, बिहेवियरल है रैदर देन उसका एटीट्यूड या बिलीफ कैसा है चीज़ों को लेकर? ठीक है, बिहेवियर की बात करते हैं, तो पहला है जैसे ऑप्शन दे रखा है, कम्युनिकेटिंग, लोकस ऑफ कंट्रोल, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर एंथुसियाज्म, या इवैल्यूएटिंग एंड फीडबैक। ठीक है, तो क्या कौन सी चीज़ें उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को शो करती हैं रैदर उसका एटीट्यूड या बिलीफ कैसा है? तो बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें, कैसे किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा, कैसे वो क्लास को मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा, और फिर किस तरीके से वो इवैल्यूएट करता है बच्चों को, फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये तीनों ऑप्शंस हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जिसमें है, एंड थर्ड ऑप्शन जिसमें है, एंड फिफ्थ ऑप्शन जिसमें है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, तो सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू यूज लर्नड मटीरियल इन ए न्यू सिचुएशन बाय ए स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ठीक है, बच्चे की वो क्षमता, वो एबिलिटी, जब वो सीखी हुई सामग्री को किसी नई सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, इसे क्या बोलेंगे? नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, या सिंथेसिस? ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें छह डोमेन्स की वो बात करते हैं। सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं? चीजों को रिमेम्बर करना है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, फिर अप्लाई कर दो, फिर एनालाइज कर दो, फिर सिंथेसाइज कर दो, और लास्ट में इवैल्यूएट कर दो। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? चीज़ों को रिमेम्बर करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर उस सीखी हुई चीज़ को वो क्या करता है? अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? एप्लीकेशन में आ जाएगा। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला अच्छे से डिस्कस किया था, आपको याद होगा। ठीक है, अगर नहीं है याद, तो कॉग्निटिव डोमेन जो दे रखी थी उसके छह लेवल दे रखे थे, जिसमें पहले उन्होंने किसकी बात की? नॉलेज की बात की, उसके बाद अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंसिंग वर्ड जिसके लिए यूज़ किया उन्होंने, उसके बाद एप्लीकेशन की बात, अप्लाई करना है आपने उसमें सीखी हुई नॉलेज को, देन आपने क्या कर देना है उसे, फिर एनालाइज करना है उस नॉलेज का, ब्रेक डाउन टुकड़ों में तोड़ देना है, देन सिंथेसाइज, फिर उसको फिर से जोड़ दोगे, और लास्ट में इवैल्यूएशन। जो एक्चुअल ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है वो इस तरीके से इससे थी, बाद में एंडरसन ने 2001 में से रिवाइज किया था, जिसमें ये दोनों लेवल उन्होंने इंटरचेंज कर दिए थे, और नाउन की जगह उन्होंने वर्ब्स यूज कर दिए थे, वर्ड बस ये चेंजेस किए थे। ठीक है, तो जब जो सीखी है चीज़ें आपने, उसको जब नई सिचुएशन में अप्लाई कर देते हैं, उसे हम एप्लीकेशन अप्लाई बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रेदर देन कंटेंट बेस्ड। प्रोसेस प्रक्रिया बेस्ड हैं, ना कि कंटेंट बेस्ड हैं। कन्वर्जन क्वेश्चन होंगे, डाइवर्जन क्वेश्चन होंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट बेस्ड होंगे,
ओपन क्वेश्चंस होंगे या क्लोज क्वेश्चन होंगे, बताओ कैसे क्वेश्चंस होंगे, सोचो क्या होगा इसमें। अब किस पे ध्यान देना है आपने, प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे, ना कि कंटेंट। ठीक है, मतलब बच्चे को एक्चुअली कितना नॉलेज है, ठीक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, ये सारी चीजों का पता जिन क्वेश्चन से आपको लगे। तो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस या डाइवर्जेंट, तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक ऑब्वियस आंसर होता है, मतलब बच्चा रट्टा मार देता है, तो वो तो होगा नहीं। डाइवर्जेंट में मल्टीपल तरीके से सोचता है, अलग अलग डायरेक्शन में बच्चा सोचता है कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो ये सही है, फैक्ट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए सही हो गया, और उसके बाद हम ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसके बहुत मल्टीपल आंसर्स हो सके, ऐसे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, क्लोज की बात नहीं करेंगे, क्लोज में क्योंकि क्या होता है, एक ऑब्वियस आंसर होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो जो आपका नाम होगा आप वो आंसर कर दोगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करें जैसे एक्सप्लेन फोर्स, तो आप अपने अपने तरीके से सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है हमें, तो राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी वाले, जेबीटी वाले पेपर में, द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड विद टीचिंग स्किल, कौन सा टीचिंग स्किल से रिलेटेड है, टीचिंग, लर्निंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इवैल्यूएशन, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो जैसे पहला ब्लैक बोर्ड राइटिंग, इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक इन क्लासरूम, आस्किंग क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस, तो सारे टीचिंग स्किल से रिलेटेड है। ब्लैक बोर्ड पे आपकी राइटिंग कैसी है, नए टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि आप किस तरीके से इंट्रोडक्शन देते हो टॉपिक का, वही चीज़ बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगी तो वो आगे कंटिन्यू करेगा, ध्यान देगा उस चीज़ पे, नहीं तो वो ध्यान नहीं देगा। बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तभी आप फीडबैक दे सकते हो, तभी बच्चे को अपनी गलतियों का भी पता चलेगा, आपको भी अपनी टीचिंग के बारे में पता चलेगा, और रेमेडियल टीचिंग भी आप तभी कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारी ही चीज़ें किसमें आएंगी, टीचिंग स्किल में आएंगी, सारे ही कैसे हैं ये जो पढ़ाना है उसके कौशल, ठीक है, शिक्षण के कौशल आ जाएंगे सारे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से ज्यादातर कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा टीचिंग से कंफर्म क्वेश्चन, जब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग और लर्निंग से तो कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाने। ठीक है, और कहाँ से, करिकुलम रिलेटेड जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, वहां से क्वेश्चन। तो आगे वाले भी जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अगर पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना है आपने एसएससी में, ये वाले टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो यही थे क्वेश्चंस, आई होप आपके सारे क्वेश्चन भी ठीक हों, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक दो हो सकता है गलत हों, क्योंकि थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मल ही लेवल के क्वेश्चन थे, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ठीक किए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कोई सेक्शन हम सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक आईसीटी का आपका हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके बाद ईवीएस बचता है, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक है, और बाकी जो भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे, इसके अलावा बाकी सॉल्यूशन भी हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।